अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फॉर फैमिली। आज हम यहाँ पे बहुत ही लजीज और जायकेदार रेसिपी बनाने वाले हैं जो हर किसी को बहुत ही पसंद होती है, सब लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें अपनी हम यखनी मटन बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पर उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। यहाँ हम पहले यखनी बनाएंगे, उसके लिए हमने हाफ के जी बोनलेस मटन लिया है। अगर आपको विद बोन पसंद है तो आप विद बोन भी ले सकते हैं। और ये हमारे कुछ ड्राई मसाले, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत सौंफ, 1 टेबल स्पून नमक, 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और कुछ लौंग। चले अपनी यखनी बनाते हैं। अब हम प्रेशर कुकर में मटन को ऐड कर देंगे। इसमें 2 ग्लास पानी भी ऐड कर देंगे और जो भी हमारे मसाले हैं उसको ऐड कर देंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी फ्लू के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेसिपी है। अगर किसी को फ्लू हो जाए तो ये उसे पिए तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। वैसे अल्लाह ना करे किसी को फ्लू हो, लेकिन विंटर्स में अक्सर फ्लू हो जाता है, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यखनी को यखनी बना के पिए, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे और हाई फ्लेम पे 1 विसल आने के बाद इसको लो कर देंगे फ्लेम को और 10 मिनट तक कुक होने देंगे। ये हमारा कुक होके अलग कर लिया है हमने मटन। अब हमने एक बड़े पॉट में 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। इसको हम पकने देंगे। जब तक पक रहा है ऑयल हमारा, तो हम यहाँ मसाले देख लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर केवड़ा, और 1 अनियन जो हमने रफली चॉप कर लिए, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ हमने मटन को अलग कर लिया था स्टॉक से। और ये हमने 1/2 kg बिरयानी वाले चावल लिए हैं जो हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हमने प्याज को ऐड कर दिया है। इसको ऐसे ही चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, तो इसको ऐसे ही चलाते रहें। बस इसको ऐसे ही हमारी देखें, प्याज एकदम क्रिस्पी ब्राउन फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी प्याज उसमें ही रहने देंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि जो इसकी रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे और फिर इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भुनने देंगे। मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो हमने मटन को अलग कर लिया था यखनी से, उसको हम ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारा मटन भुन रहा है इसके अंदर मसालों में। इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत ही रिच फ्लेवर होता है। आप देख सकते हैं मसाले में भुन गया है मटन। अब इसमें हम जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसको ऐड कर देंगे। ये हमने 1 घंटे के लिए सोक किए थे, इसको हमने ऐड कर दिया है।
अब इसमें हम यहाँ वाटर ऐड करेंगे इसको चलाने के बाद में, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। एक ग्लास हम इसमें यखनी का पानी ऐड करेंगे, हमने दो ग्लास यखनी का पानी रखा था जो रिड्यूस होके एक ग्लास रह गया था। और एक ग्लास हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको चम्मच हल्के हाथ से ही चलाना है ताकि चावल टूटे ना। अब इसमें हम यहाँ सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप याद रखिएगा कि हमने यखनी में भी डाला था तो उस हिसाब से ही आप डालें, नहीं तो वो तेज़ हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम लेट से कवर करके अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं पानी इसका रिड्यूस हो चुका है, इसको अभी हम और पकने देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है, आपके घर पे मेहमान आए तो आप इसको फटाफट बना के उनके सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी लगती है बिरयानी। हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर में फूड कलर मिक्स करके ऐड कर देंगे। बहुत ही पिंच ऑफ फूड कलर हमें यहाँ लेना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है केवड़े की। और यहाँ पे जो हमने अनियन फ्राई करी थी वो भी ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक दम होने के लिए रख देंगे। बिरयानी हमारी बनके तैयार है, देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।